असी अपने ही भुल जाने वड्डे वडेरियां नूं मिज के असी अगाह जाना चाहते हैं कि मुल्क खराब है भाई जिन्होंने सिर दे के लए सन वो सरदारियां मानन वाले या इस मुल्क नूं आजाद कराउण वाले अपना आप वारे सन वो किवें माड़े हो गए तोड़दा असी ही हाँ जिन्हां ने धर्म नूं अगाह लिजा के पाड़न दा रोल अदा किया कि घट गिणतियां खत्म कर दिओ एक ना मंदरां गुरद्वारियां सुरक्षित रही ना बाहर ना कुख विच तां फिर असी अपने घरां विच इहो जे केस आ गए जिथे सके प्यो ने नशे दे असर हेठ अपनी ही बेटी का सत भंग किया ड्रग रैकेट्स तक चल रहे ने या जिवें सैक्स रैकेट्स तक दी जो खबरां उजागर हुई कि उन्होंने अपनी बेसमेंट्स विच रख के किया यानी यह सारी चीज़ दे लई क्योंकि असी इन्नी उतां चढ़ के इसका हुंगारा दिता है कि जे रत्ती मासा भी कित फिक पैंदी दिसी या उही सरकारी अफसर ने उस तरह भ्रिष्टाचार जारी रखिया तो फिर खिमा करो ये सट पंजाबी सहार नहीं सकन उत्थे ही मैनू दस्यो फतेहगढ़ साहिब वर्गी थां ते जिथे इतिहास वख सिरजिया गया निके निके बालां वल्लों जो दुनिया के किसी हिस्से विच नहीं इत्थे जदों पंजाबी ना रहणगे मैनू दस्यो कौन आएगा वो याद उजागर करन लई ते असी वो कर्जिया की पंड लाणी कित्थे घर च अठ अठ नौ नौ बच्चे ने ते जदों असी पुछदे आं भी क्यों इस तरह कर रहे हो ते पता जे की जवाब दिंदे ने इत्थे हॉस्पिटल च ही बैठे देखो पंजाबी तो जा रहे बार तो फिर ये तो जगह हमारे लिए है हम 11 रखेंगे तो हमारी पलटन ज़्यादा होगी ना इनका एक है हमारे 11 कितनी देर लड़े जो खबरां नशर कर रही ने करोड़ों का घपला उस अफसर कर रहे हैं जो कि पंजाब का पैसा यूपी बिहार के लोग इकट्ठे करके ले जा रहे हैं क्यों साढ़े पंजाबी ना इत्थे बैठन ते पैसा बाहर जाने तो रोकन जो कि पंजाब की बेहतरी लिए लग सके। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं धर्मा हरिओ, तुसी वेख रहे हो रंग पंजाब के यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अज जो आप गलबात करनी है वह बहुत ही अहम विषय है क्योंकि साढ़े नाल होंगे डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जो कि गल करिए MD ने MBBS डॉक्टर साहब। बहुत ही अहम विषय है, इस वीडियो में तुसी लाइक करना शेयर करना क्योंकि असं पहले ही कह देने वैसे असं किसी वीडियो के नहीं कहते क्योंकि ये साढ़े वास्ते साडे समाज वास्ते साडे भविख के वास्ते बहुत ही अहम विषय है। हाँ जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ते तुहाडे रहे जिन्ने भी वेख सुन रहे ने सबनां नूं निघी फतेह जी। सो भैन जी, आपां अज जिहड़ी गल करनी है ना जी, अज जिहड़ा साडा समाज है साडा पंजाब है बड़े ही एक नाजुक मोड़ तो नाजुक दौर तो लंघ रहा है। इहनूं आपां 20 साल दा हिसाब देखिए अज आपां कित्थे पहुँच गए, जिहड़ा अगला 10-15 साल दा समां आउणा है उहनूं तुसीं किवें वेखदे हो? देखो, कुछ चीज़ा होंदिया ने जिहड़ियां सानू अगाऊ कुछ वॉर्निंग्स दिंदियां ने दसदियां ने कि ये चीज़ा खतरनाक ने या इस पासे वल नू रुझान साडा फायदा करन जोग। हुण जे असीं उहदे तों अज तक देखिए तां बहुत सारिया विज्ञानक तरक्कियां जिथे आईया ने उत्थे मानसिक पक्खों बहुत गिरावट भी देखण नू मिली है। कारण कि इस दौरान दे समय तो थोड़ा मैं पिछा लै चलना जदों अजे आज़ादी मिलनी सी, हाँ जी, भावें असी जम्मे ही नहीं सी पर उस समय अपने मापिया नू जिस तरीके दी असी मुल्क प्रति उन्हां दी जिवें दी उस समय दी उन्हां दी सोच सी या जिन्नी क अपने आप नू भारती कहण विच ओह माण महसूस करदे सन जिवें ओह अपने रत्त डुल्लण दी गल करदे सन कि असी मर मिटण लई तैयार सां ते असी ते अपने आप नू पिछां रखदे आं अपना मुल्क अगाह रखदे आं इहनू अगाह तोरना है माण महसूस करना है फखर अपने भारती होण ते यानी उस तों हौली हौली चीज़ां किवें तब्दील होईआं कि अज दे दिन नू जे कंपेयर करिए तो जिस तरीके की दौड़ लगी है बाहर मुल्कां च जाण नूं असी निंदण विच उस ही मुल्क नूं मिंट भी नहीं लाउंदे। बिल्कुल जी, उंगलां दे गिणन वाले भी मैनूं लगदा नहीं होणे जिहड़े अज दे दिन कहण मैं फखर महसूस करदा भारती होण ते ते मैं बाहर नहीं जाणा चाहुंदा। बाहर पहुँच के साडे बहुत सारे वीर भैण ने जिहड़े चेते करदे ने कि साडा पिछोकड़ साडी जमीन साडी पछाण साडा सभ्याचार सारे वो भी नहीं करते, बहुत सारे ने जिहड़े सगों अपने नालों ये भारती होण दा सगों नाम या पछाण लाणी पसंद करते ने। जिहड़े थोड़े उच्चे अहुदिआं ते पहुँच जाते ने वो तां सगों पुठे पासे नूं ही तुर जाते ने। मैं सारिआं ते उंगल नहीं चुक रही पर मैं काफ़ियां नूं मिली हाँ जिहड़े सगों
ना तो जबान ये वरतनी चाहते ने ना अपने बच्चों सिखाते हैं तो ना ही वह प्रेरित करते हैं तुम वापस उस धरती पर जाओ। सो वो अपने आप में एक कट ऑफ करना चाहते हैं कि साड़ी पछाण गायब हो जाए। हाँ जी, हुण उत्थों तो हुण तक की जिहड़ी तब्दीली असी वेख रहे हैं उहदे विच असी आप अपने आप को उतां लै आया, मुल्क पिछा छड़ दिता। बिल्कुल, मुल्क नूं निंदण विच पल भी नहीं लगता। मैं जे अज गिणन लगा तुहाडे कोल इस च खामियां किन्नियां ने तां शायद दो प्रोग्रामां च वी पूरियां नहीं होणियां, पर गल इह उठदी है कि इस मुल्क विच माड़े काम करन वाले की इह धरती आप उठ के कर रही है? जे कोई इत्थे बलात्कारां दी गिणती वधीए तां की इह धरती कर रही है? या उस दे उपरले बशिंदे अपनी सोच विगाड़ चुके ने, जां इस धरती नूं जहरीला बना रहे हैं? तां की कौन जे जो इह सोच इस वेले इत्थे जिहड़ा अगां लिजा रहा जे, जां जो सिर्फ अपनी तक ही सीमित हो के कि मैं थोड़े समय च छेती पैसा कमा लवां ते अपने आप नूं अगां चुक लवां, असी कुछ उस सोच दे गिरद कितने घूम चुके हैं जिदे विच मुल्क कितने आउंदा ही नहीं। बिल्कुल जी, देखो जे आपां इत्थे गल करिए कला पैसा इकट्ठा कर देना, बच्चे नूं पढ़ा देना, इसे दे विच ही साडा ते साडे समाज दा भविख नहीं हैगा। बिल्कुल, पर असी वो सीमित अपने आप तक हो गए, ये भी भुल गए कि एक जीरो तो शुरू होया मुल्क जिथे सब कुछ तहस नहस होए, तो असी आज़ादी तो 75 साल दे विच विच तुसी वेखो तो सही मार्स तक पहुँच जाना मायने रखता है, जिथे साढ़े नाल ही मुल्क एक होर भी पाकिस्तान बने ते किस तरीके उन्होंने इस वेले जूझना पै रहा महंगाई तो लैके हर चीज़ नाल, उहदे विच योगदान पाउण वाले तुहाडे ते मेरे वड्डे वडेरे ही सन। असी अपने ये भुल जाने वड्डे वडेरिया मिज के असी अगां जाना चाहते हैं कि मुल्क खराब है। भाई जिन्होंने सिर दे के ये लए सन वो सरदारियां मानन वाले या इस मुल्क नूं आज़ाद कराउण वाले अपना आप वारे सन, वो किवें माड़े हो गए? माड़े तो असी हाँ जिन्हां ने इस मिट्टी च जहर मिलाया, इत्थे हवा विच जहर रलाया, फिर अपने अपने यानी माया का या अपने टब्बर का विस्तार करन पिछे असी इस मुल्क नूं गंदला कर दिता। सो नुकसान तो असी ही पहुँचाया है, उहदे लई मुल्क खराब नहीं हुंदा। हुण इह वी वेखो कि जे साढ़े कोल स्पष्ट इस वेले तुसीं मीडिया चो तुहानूं मेरे नालों कितें वध पता होएगा, जदों खबरां निकलदियां ने फलानी फैक्टरी दे विच्चों निकली गंदगी सदका मच्छियां मर गईयां, जां इस थां ते इन्ने प्रतिशत कैंसर वध गया, जां असीं इन्ना जहर जमीन विच रला दिता कि 15 सालां बाद हर टब्बर विच इक या दो केस कैंसर दे होणगे, तां इह कौण है करन वाले? उन्हां दी सोच सीमित है कि मैं ते मेरा टब्बर अगां वध जावांगे, भुल ही गए कि तुसीं पानी ते हवा इत्थों ही लै रहे हो। तां इहदा जवाब भी कई तां कहणगे नहीं जी साडे तां बच्चे NRI हो चुके ने, उह ते बच जाणगे, असीं सिर्फ पैसा इकट्ठा करके उत्थे पहुँचाउणा है। यानी इह सोच दे नाल नाल इक होर भी सोच इत्थे जिहड़ी तब्दीली जो जिस कारण निघार मैं कह सकदी हाँ, इक वख सोच सी किरत करन दी। मैं किसी धर्म ते किंतु परंतु विच बिल्कुल नहीं आना चाहती, पर जे असी थोड़ा जिहा ध्यान नाल वेखिए तां हत्थी कम करन नूं हर धर्म विच किते ना किते अगां यानी प्रचार दी गल कीती जांदी है। उहनां खुद कीते बिल्कुल। सो ना सिर्फ साडा सिख धर्म बल्कि हर धर्म विच माड़े कम करन वाले दे विरुद्ध आवाज़ चुकण नूं बड़ी स्पष्ट तरीके नाल समझाया कि भाई मनुखता नूं मिज के नहीं लंघना, धर्म आपस विच जोड़दा है तोड़दा। असी ही हाँ जिन्हां ने धर्म नूं अगां लिजा के पाड़न दा रोल अदा कीता कि घट गिणतियां खत्म कर दिओ। ये कौन ने? असी हाँ। धर्म नहीं माड़ा हो गया, ये असी हाँ साड़ी सोच जिहड़ी उसनूं विगाड़ रही है। हुण मुफ्तखोरी यानी असी चीज़ किरत करके सगों असी वह नहीं मंगते कि सानू जरिया दिओ असी पढ़ीए किरत करिए, कमा के असी सगों फखर महसूस करिए असी दिता असी योगदान पाया मुल्क विच इनू अगां वधाउण च, सगों असी करदे हां सानू कुछ चीज़ मुफ्त मिल जाए घर बैठे बिठाए कम ना करना पवे तो फिर वो योगदान नहीं ना पाया। वो तुसी मुल्क दे नाल या मुल्क दी तरक्की विच कोई तुहाडा जद है ही नहीं लैणा देणा, तुसी मुल्क नू प्यार किवें कर सकदे? सो ये जे चीज़ां जिहड़ियां सानू हौली हौली निघार वल जिथे
औरत नूं उतां चुकण। तुसीं हिंदू धर्म विच देखो तां असीं हर मां दा दर्जा दे के सीस चुकाउने आ। जो भी कुछ करना होए जिंदगी च, भावें पैसे लई, नौकरी लई, या जिथों भी तुसीं ताकत लैनी चाहते हो या दुष्टां नूं मारना होए, तुसीं मां नूं ही तरजीह दिंदे हो। बिल्कुल इस तरह सिख धर्म वाल आओ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ? ਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਪੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚੂੰਡ ਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਖਾ ਗਏ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਰੈਕਟਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਐਤਕੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੋਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਿਗਾਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਲੱਖ
आराम नाल वह खा सकदा उन्हूं मुफ्त अपने बच्चों नूं सरकारी कारां दे उत्ते यानी पेट्रोल फूकण लई उन्हूं मुफ्त नौकर मुफ्त ने वह अर्दलिया की तौर पर असी पंजाबी उन्हां नूं ला छड़े जो कि बिहार या यूपी तो आके इत्थे सरकारी अफसर राज करदे ने पंजाब नूं चूंड के खा गए पर उहदे बदले असी पंजाब नूं की दिता। सो वेला तो यह जागरूक करन दा सी जिस विच ऐतकी मीडिया ने एडा तगड़ा रोल अदा किया। शुक्र है सोशल मीडिया राही लोगों तक यह गल पहुंची जिन्हां ने चुन लए कि आ चीज़ जो जद्दी पुश्ती खांदे आ रहे ने उन्हां नूं एक बार पासे करना है कि असी कुछ तब्दीली लियाईए। यह दर्द सी पंजाब दा कि असी अपने टब्बरां तो बाहर निकल के पंजाब बचा लईए। सो ये जड़ी पीड़ जे ना ये मट्ठी नहीं पैनी चाहिए जे क्योंकि असी इन्नी उतां चढ़ के इसका हुंगारा दिता है कि जे रत्ती मासा भी कित फिक पैंदी दिसी या उही सरकारी अफसर ने उस तरह भ्रिष्टाचार जारी रखिया तो फिर खिमा करो ये सट पंजाबी सहार नहीं सकन लगे। सो इस वार दी तां जो जागृति है इनू चुआती लगी समझ लो कि असी हुण सारिया ने जे एकजुट होए कि फलानी पार्टी या फलानी पार्टी का नहीं असी तो सारे इको ही हाँ। सो जिन्हें राज करना ए बी सी किसी भी पार्टी का होवे पर वो पहला उदी सोच पंजाब प्रति चंगी होवे पंजाबियों का उधार किवें करना इन्हों सिक्ख्या किवें मुफ्त जाए इन्हों का इलाज किवें मुफ्त होवे बाकी चीज़ा बिजलियां नूं सब देणगे सब दे के खुश होणगे भी असीं अपनी नौकरी कर रहे हैं असीं अपना दे सकदे हां योगदान देंगे। सो ये मुफ्त खोरे ना बनाउण पंजाबियों नूं ये सब तो वड्डी मार होएगी। इन्हां नूं नौकरियां दिओ इन्हां नूं पढ़ाई मुफ्त दिओ इन्हां नूं हस्पताल अजिहे वर्ल्ड लैवल दे बना के दिओ ताकि ये बीमारियों तो बच के आप किरत करन सब कुछ दे सकन जो कि होणगे बड़ा माण महसूस हुंदा जदों तुसी दे सको बजाय कि असी मंगते बन के हाथ अड़दे रहिए इन्ना क सानू मुफ्त दे दिओ। हर गरीब तो गरीब भी अणख नाल जीना चाहता कि मैं आडा क्यों हाथ क्यों तरले करदा फिरां दिओ ना मैनू काम मैं दिहाड़ी करके बहुत सोहनी कमावांगा। सो हर पंजाबी अणखी हुंदा जो भावें हिंदू होए मुसलमान होए सिख होए ईसाई होए पंजाबी होना उहदे अंदर दी अणख जगा दिंदा। सो उह अणख ना मरन दईए पंजाबी। हांजी हांजी बिल्कुल जी बिल्कुल सब तो साढ़े को सब तो मेन चीज़ है क्योंकि असी उन्होंने जो सुपने से जिन्ना करके उन्होंने साढ़े तो ज्यादा वारियां ने तो उन्होंने तो जे कह दी आत्मा की शांति ता ही है ना जी जे असी साढ़े मुल्क नूं अगे लेके जावे जी असी बाहर ही भजे गए तो फिर वह की सोचते होंगे जी। बिल्कुल मैं ऑस्ट्रेलिया विच ते मैनूं एक ऑस्ट्रेलीयन बंदे ने कहा कि मैं इतिहास पढ़िया पंजाबियों का ये जदाद नहीं खड़ करते होंगे सी तो घोड़िया ते ही फिरी तुरी जाना भी ये पैसे इकट्ठे करने वाल तरजीह नहीं सन देंदे गल की है बड़ी डूंगी गल जे ये पुराना इतिहास जो साडा सी क्यों सानू वक्त दिखाउंदा सी जो हुण खत्म हो गए जो कि असी उस 99 दे गेड़ च फस के जदादा बनाने लग गए जो कि रेता दी खड्डा ते की कुछ नहीं असी कीता आपती कर दित्ती पर वो जो अणख हुंदी जे ना कि असी पैसा इकट्ठा नहीं करना उन्हें असल पंजाबी नू निखारिया सी यानी कि असी अज दी जिंदगी जीउणी है साडा मरना मिसाली होना चाहिदा साडी जिंदगी कुछ अजिही होवे जिहड़े लोग याद करन के एक दिन दी जिंदगी विच भी क्या कमाल दा जीविया कि इन्हें जो कुछ सी वंड के सब दे नाल सांझा करके खुशी वंडी तो फिर मौत की परवाह ना करन वाले बेखौफ साढ़े पंजाबी सन घोड़िया ते जिंदगी लंघती है रात की लंघ जाए पर असी की करना उस जदाद नूं जो कूड़ है वो खत्म हो गई साड़ी सोच असी केंद्रित हो गए अपने तक। सो बहुत कुछ जे जिथे बिगाड़ तुसी मैनूं कहोगे कि कित्थे आया पर अज भी जो उम्मीद बड़ी तगड़ी जागी है पंजाबी खड़े हुए ने एक बार फिर एक मूँह तोड़ जवाब देन तो बाद बस ये अग मठी ना पैन देना ये तुहाडा जिम्मा जे कि मीडिया राही बिल्कुल नहीं देखो उहदे नाल नाल जो उन्होंने काम करना कर रहे हैं पर सानू हर एक बंदे नू हर एक नागरिक नू इस प्रति जागना पैना है क्योंकि पानी साडा कित्थे है। बिल्कुल असी तो साडियां जिहड़ी धरती आपां धरती विच जी लईए कोई चीज़ इदां दी है नहीं भी जिथे असी कह लईए भी असी अपने आप नू रिलैक्स महसूस करिए भी नहीं इत्थे असी सही हैं। बिल्कुल सही कहंदे हो क्योंकि जदों पंजाब ही नहीं रहेगा साडी पछाण ही नहीं होनी साडी कोई सभ्यता ना बची
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਖੋਜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਇੰਜੋ ਦੜੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖ ਜਾਓ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਲਣਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਹੂ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖੂਬੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੰਚ ਇੰਚ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਹੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ? ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਇਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸ ਲਏ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ 90% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 8-8, 9-9 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਮ 11 ਰੱਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਪਲਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇਨਕਾ ਏਕ ਹੈ ਹਮਾਰੇ 11 ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੜੇਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ IPS ਲਗਾਏਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IAS IPS ਆਫਿਸਰਸ ਲੱਗਣ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣਨ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਂਭੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਰਦਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੱਬੇ ਕਿਉਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ,
जुत्ती पॉलिश करनी भी कोई नीवी गल नहीं है, पर गल सिर्फ ये है कि ये उपरलियां पोस्टा जिन्होंने पंजाब की बेहतरी लिए सोचना है उत्थे कौन होएगा। अज के दिन जो खबर नशर कर रही ने करोड़ों का घपला उस अफसर कर रहे हैं जो कि पंजाब का पैसा यूपी बिहार के लोग इकट्ठे करके ले जा रहे हैं। क्यों क्यों साढ़े पंजाबी ना इतने बैठन तो पैसा बाहर जाण तो रोकन जो कि पंजाब की बेहतरी लिए लग सके। सवेर तो रात तक तुसी देंदे हो टैक्स, मैं दिनी हाँ, खजाने खाली होया नूं 15 साल हो गए, कदे तां इह भरनगे खजाने जिन्हां दे बोझां 'च जा के बाहर मुल्कां 'च जा रहे ने। ये जिहड़ी जा रही है ना शिफ्टिंग ऑफ मनी, इहनूं रोकण लई साडे पंजाबी बच्चे अज खड़े होणे पैणगे, पढ़न लिखण उच्चियां पोस्टां ते बैठण ते फिर पंजाब प्रति दर्द नूं उजागर करन, उह कम करनगे पंजाब दी बेहतरी लई, ना कि यूपी तो बिहार तो आए लोग जो कि पंजाबी जबान बोलन वाले नूं भी नीवा इस तरीके नीवी निगाह नाल वेखदे ने कि अगले नूं अहसास करवा देंदे ने तुसीं तां एक हेठले दर्जे दे लोग हो। ये चीज़ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा समां दित्ता जी, बहुत मेहरबानी। सो दोस्तों असीं पहलां भी तुहानूं कहते हुण भी कहने आ, इस वीडियो नूं तुसीं वध तों वध शेयर करना है, क्योंकि कोई भी चंगा सुनेहा अगर तुसीं पंजाब नूं साडे नूं साडे योधियां नूं साडे शहीदां नूं प्यार करदे हो ते उहनां दी जिहड़ी अणखदी चिणग है उह जिउंदी रखणी चाहुंदे हो ते उही अणखी पंजाबी कहाउणा चाहुंदे हो तां फिर आओ रल मिल के हंबला मारीए कि आपां भी आपो अपना योगदान है जिहड़ा साडे इस पंजाब नूं खुशहाल बनाउण दे लई। क्योंकि जिस तरह भैन जी ने दस्या ना कि यूपी बिहार के लोगों की यह सोच है भी साढ़े दस दस बच्चे होंगे इन्हों का एक एक होगा तो फिर देख लो तो उन्होंने सामने की हैसियत होगी, की तुसी बोल सकोगे, वो तो वैसे ही दब लेंगे। सो आओ आप अपने पंजाब को अपने समाज को रंगला बनाने के लिए एक हमला मारिए। अगली बारी किसी होर विषय पर गलबात करांगे। वेखते रहो रंग पंजाब के यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल।